वेलकम सर। टुडे जो टॉपिक्स है फ्रेंड्स, आईआईटी जैम 2018 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है मैंने। कोशिश करूंगा मैं कि 11, 12, 13, 14 जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं अगर हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज लेक्चर्स में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये सुप्रीमम और इनफीमम के बारे में समझना है कि व्हाट इज द सुप्रीमम और इनफीमम। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और एक कन्फ्यूजन वाला टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इसमें कैसे करें, क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मैं एक सिंपल जैसे मैं अपने आप से समझता हूँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सुप्रीमम इनफीमम के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो कभी सेट के एलिमेंट होते हैं, कभी सेट के एलिमेंट नहीं होते हैं, दो चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो सुप्रीमम जो होता है, अगर कोई सेट है उसके सबसे, मैं अपनी लैंग्वेज में जो समझने की कोशिश करता हूँ, अगर उस सेट का जो सबसे अपर बाउंड होगा, बाउंड होता है उसको हम, मतलब उसको नियर अबाउट उसको हम सुप्रीमम कहते हैं, और जो सबसे लोअर बाउंड होगा वो हम कह सकते हैं कि वो इनफीमम की कैटेगरी में आता है। बट इनफीमम और सुप्रीमम दोनों उसमें एग्जिस्ट हो सकते नहीं हो सकते उस सेट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे हम कुछ डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, उसके बाद आगे वर्क करेंगे। कह रहा है कि द इफ द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड, ठीक है, अपर बाउंड का एक हम सेट बनाएंगे, जैसे ऑफ ए सेट हैज द स्मॉलेस्ट मेंबर। मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि हम अगर एक सेट बनाएं, अपर बाउंड के सभी का सेट बनाएं, और उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वही हमारा सुप्रीमम या लिस्ट अपर बाउंड होगा। सो दैट इज मे इज लिस्ट बाउंड। अगर हम कहें इट इज लेस देन आर इक्वल टू अपर बाउंड, ठीक है, लेस हो गया तो अपर बाउंड के इक्वल होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम कहें इफ द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ ए सेट एस, जो लोअर बाउंड होंगे उनका सभी का एक सेट बनाएं, और उसमें उस जो सबसे बड़ा होता है उसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफीमम ऑफ एस। इट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू द लोअर बाउंड, जो सबसे सेट का सबसे लोअर बाउंड होता है अब वो बाउंड उससे या तो बड़ा होगा या तो मतलब ग्रेटर देन आर इक्वल होगा, ठीक है। इफ द सुप्रीमम इनफीमम ऑफ अ सेट मे नॉट बी बिलोंग्स, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो हम देखेंगे कैसे। द सेट कैन नॉट हैव द मोर देन इनफीमम और सुप्रीमम, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता अगर सेट एग्जिस्ट कर रहा है तो। जैसे हम अगर एक एग्जांपल करके देख लें, जैसे हम एक ले लें 1/m, तो अभी क्या होगा, जैसे ये बनेगा 1/2, 1/3, ये नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू n, तो इस केस में ये क्या होगा, जो सबसे बड़ा है ये हो गया क्या आपका सुप्रीमम। और अब ये सभी एलिमेंट जो है किससे बड़े हैं, कहाँ पे है, तो जीरो, एक जीरो भी आ जाएगा, तो ये जीरो क्या हो जाएगा, इनफीमम हो जाएगा, इस सेट का इनफीमम होगा, क्योंकि जीरो से कहा गया कि ये जो सुप्रीमम इनफीमम है इस सेट में रहते भी हैं और नहीं भी रहते, दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, तो इस केस में ये हुआ आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें कैसे देखना है और क्या करना है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम पर बात करेंगे, उसी का बेस का यूज करके कंसेप्ट का इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है कि दिस दिया है an, जो है an आपका है 2 + -1 n - 1/2 / n, कह रहा है इफ n इज इक्वल टू ऑड, ऑड मतलब हो गया 1, 3, 5 एंड समथिंग। तो a1 मिलेगा हमारा क्या, पुट कर लीजिए यहाँ पे, दैट इज 1 - 1 0, और ये मिलेगा 1, मतलब 2 + 1 3। A3 की बात कर लें, A3 की बातें हम करेंगे, तो A3 यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए 3 - 1 2/2, मतलब 3 - 1 हो गया 2/2, ठीक है, बट 1 हो गया और माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 - 1/3, 5/3। सिमिलरली A5 भी अगर हम कर लें, तो A5 क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा और 1/5, मतलब 10, टोटल 11/5 हो जाएगा, यहाँ पे पुट अप कर लीजिए। सिमिलरली अब दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है सेट ऑफ दिस 1 + 2 n, जब कह रहा है कि n इवन है, इवन से मतलब हो गया हमारा 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो इस केस में हम अगर a2 को निकालें, व्हाट इज द a2,
तो 2 2 4 1 1 4 +5 मतलब 1 + 1/4 5/4। सिमिलरली गो फॉर a4 कितना आ जाएगा 2 पावर 4 16 2 पावर ऑफ 4 तो 16 हो गया और 17 16। ठीक है, तो हमारा अभी जो सेट बनेगा, हम अगर सेट की बात कर लें तो कैसा बनेगा, जो सेट बन रहा है वो a1 a2 a3 a4 a5 इस तरह से बनेगा। तो अब सेट की बातें करें, a5 क्या है, a1 क्या है आपका 3, a2 हाउ मच, a2 हमने निकाला है यहाँ पे 5/4, a3 के बारे में हम कहें 5/3, a4 17/16, ठीक है, एंड a5 दिस इज 11/5। अब देखें तो सुप्रीमम क्या होगा, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ दिस इन सेट में, ये देखिए 1/something 1.1 something होगा, ये भी 1 point something होगा, 1 point something, मतलब अगर इन सब का डिवीजन करें तो 1 point या 2 point something मिलेंगे, बट मोर देन 3 से कभी भी नहीं मिलेगा, 3 से बड़ा नहीं मिलेगा, ये हमें ध्यान में रखना है, 3 से बड़ा नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस वाले कंसेप्ट में जाएं तो सुप्रीमम हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ an इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हमें एक ऐसा एलिमेंट लिखना है जिसमें कि ये सभी एलिमेंट उस एलिमेंट से छोटे हो या तो बराबर हो, हमें इन सब में सेट में एक ऐसा एलिमेंट आपको ढूंढ लेना है कि जो इस सेट के एलिमेंट में सबसे छोटा हो, और या तो फिर ये सभी एलिमेंट उससे बड़े हो, ये हमें ढूंढना है, सिंपल सा बात है। तो अगर कुछ नहीं है तो एक ऐसा एलिमेंट जिसे हम 1 मिल सकता है हमें, जिससे कि ये सभी बड़े होंगे, सभी बड़े होंगे एलिमेंट्स, तो मतलब हमारा इनफिमम क्या हो जाएगा, फिर इनफिमम ऑफ ए एन इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों चीजें हमें मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो यही चीजें हमें समझना था कि हमें सुप्रीमम इनफिमम, तो ज्यादा आपको क्लियर इस वाले स्टेटमेंट से हो जाएगा कि हमने ये क्यों कहा, सॉरी इस वाले से नहीं, यहाँ पे ये दोनों चीजों को समझने की बातें हैं कि ये सुप्रीमम इनफिमम क्या है। अगर मैं और ज़्यादा समझ पाया तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको इस पर और कुछ लेक्चर्स दे पाऊँ, जैसे सुप्रीमम इनफिमम या बाउंडेड की जो कंडीशंस है वो क्लियर हो जाए। कोशिश करूँगा मैं जब सीक्वेंस और चैप्टर शुरू करूँगा तो उस टाइम पे आपको सारा डिटेल्स और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा इसमें कन्फ्यूज हूँ, तो जब तक मेरा टोटली क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आपको कैसे बताऊँगा। सो टेक केयर, सब अगले क्वेश्चन के बारे में तो बढ़ेंगे, तो आंसर इसका होगा ए। पहला क्वेश्चन नंबर 11 इज, ठीक है, सो नेक्स्ट गो फॉर द अनदर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले यहां पे, हम कह रहा है कि एबीसी बिलोंग्स टू आर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एबीसी डू नॉट रिजल्ट्स इन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, मतलब हमें ये चेक करना है कि इसमें कन्वर्जेंस के लिए कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए एक लॉगरिथम सीरीज होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगरिथम सीरीज हमारी है n log n रेस पावर p, एक छोटा सा सीरीज है ये, अगर ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट फॉलो करता है जब p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट की कंडीशन हो जाएगी जब p लेस देन आर इक्वल टू 1 या समथिंग टेस्ट फेल हो जाएगा जो भी कुछ हो, बट ये डाइवर्जेंट के लिए फॉलो करता है। तो ये इसी कंडीशन पे हम चेक कर लेंगे, बाकी की वैल्यू क्या है उस पर हमें कोई लेना देना नहीं है, एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर हमारा ये बनता है। जैसे पहले वाले की बात करें हम, तो क्या हुआ ए लेस देन वन है, बट यहाँ पे ए है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें इस पावर पे चेक करना है कि ये जो पावर है वो क्या कह रहा है हमारा, इस पावर पे हमें बातें करनी है। तो सी जहाँ भी लेस देन होगा 1 उसी पे वो आंसर आपका सही हो जाएगा। बी बिलोंग्स टू आर है और सी बिलोंग्स टू आर है, आर मतलब बहुत सारे रियल नंबर है, तो उस केसेस में ये भी ट्रू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एवरी टाइम ट्रू नहीं होगा बट जिन जनरल ट्रू हो जाएगा, मे बी पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पे ट्रू होने की चांसेस ज्यादा है, मतलब तो यहाँ पे ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है डू नॉट रिजल्ट इन द कन्वर्जेंस, कौन सा ऐसा है जो उस रिजल्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ए वन बी ग्रेटर देन नो प्रॉब्लम, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सी बिलोंग्स टू आर है, सी इज आल्सो, क्योंकि मोर देन वन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। ठीक है,
ए इज वन बी इज ग्रेटर देन नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे सी क्लियर कट दे दिया है आपको कि सी की वैल्यू जो है वो छोटी है इस वाले से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर डाइवर्जेंट वाली कंडीशंस तो फॉलो हो जाएगी, बाकी के यहाँ पे ये है और ये है तो समथिंग ये भी ट्रू हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, बाकी जो अकॉर्डिंग टू रूल जो जा रहे हैं तो मतलब ये सही हो गए, बट हमारा जो आंसर हो गया वो क्या है सी, क्योंकि इसके थ्रू जाना है हमें ना इस वाले के थ्रू, तो इस तरह से जाना है तो ये चीज़ें ट्रू हो जाएंगी, तो सी इज आंसर इज करेक्ट। सो टेक केयर, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू फ्रेंड्स। अब देखिए ये 12 हो गया, मैं अभी कोशिश थी मेरी कि एक ही में सब बना दूँ, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए 13, 14, 15 को फिर एक साथ मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। टेक केयर, थैंक यू।